And I'm kind of smiling. Hey guys, this is Fat Becky Bear. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मॉर्निंग में साइकिलिंग करने निकलते हैं एंड जो डॉग्स हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं एंड कई बार ऐसे होते हैं कि आप इतने स्केयर जाते हो कि आप घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते तो इस वीडियो को देखते रहिए बिकॉज मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे एक डॉग अटैक से बचा जाए By the way, if you haven't subscribed, then इस चैनल को सब्सक्राइब करो because they come up with such stuff every week. Dogs आपके पीछे क्यों पड़ते हैं? Because they react to movement. वो कोई भी चीज़ घलते हुए देखते हैं तो उसके पीछे भागते हैं. And उनके लिए करना बिल्कुल natural है. जब आप एक isolated time पे निकलते हैं, let's suppose morning में, तो क्या होता है? जो dogs होते हैं, वो आपके टायर को घूमते हुए देख के आपके रिएक्ट कर सकते हैं आपके पेडल्स को घूमते हुए देख के रिएक्ट कर सकते हैं अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको पैरों को देख के रिएक्ट कर सकते हैं एंड आपके पीछे पड़ सकते हैं जो डॉग्स होते हैं उनकी अपनी एक टेरिटरी होती है तो अगर आप कोई भी उस पर टेरिटरी में आते हैं वो आपको एक थ्रेट की तरह ले सकते हैं एंड फिर वो आपको चेस करेंगे टू स्टॉप दिस अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टॉप हो जाइए आप साइकिलिंग कर रहे हैं आप और फास्ट मत चलिए आप स्टॉप हो जाइए साउंड्स वियर्ड राइट बट दिस इज़ इफेक्टिव अगर आप रुक जाएंगे तो आपको पीछा करना बंद करेंगे अगर आप अपनी स्पीड तेज़ करेंगे तो आपके पीछे उतना ही भागेंगे नाउ आप एक सिचुएशन में है कि आपके आसपास डॉग्स हैं तो आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डॉग्स पढ़ सकते हैं अगर आप स्केर्ड होंगे वो आपके पीछे उतना ही पड़ेंगे यू कैन ऑल्सो मेक अ पुचपुच साउंड इज लाइक दिस दिस इज अ टिपिकल साउंड दैट इज फ्रेंडली टू डॉग्स अगर आप ये साउंड निकालेंगे वो सोच सकते हैं कि आप उनके फ्रेंड्स हैं एंड वो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे यार बहुत होगी बातें एक काम करते हैं अपने पीछे डॉगीज पढ़वाते हैं अच्छा 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 एंड स्माइलिंग बिकॉज मुझे पता है ये हॉट नहीं करने वाले अब मैं भागूंगा तो मेरे पीछे आ जाएंगे देखो बट काटेंगे नहीं से नो एंड इट वर्क्स अगर आपके आसपास कोई डॉग है अगर उसको नो कहते हैं तो वो हमेशा रुक जाएगा साउंड्स वियर्ड राइट बट देन मैंने अंकल को देखा था उनके पीछे डॉग्स पड़े हुए थे उन्होंने नो बोला एंड डॉग्स उसी टाइम स्ट्रांग हो गए जस्ट बी स्ट्रांग स्ट्रांग होके बिकॉज बोलो नो एंड दे विल स्टॉप नो मीन्स नो नो मीन्स नो अबे क्या कर रहा है अवॉइड एनी आई कॉन्टैक्ट विद द डॉग किसी भी एनिमल से अगर आप आई कॉन्टैक्ट रखते हैं तो वो उसके लिए एक फाइटिंग का साइन होता है एंड अदर स्टेप वुड बी जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट द डॉग अगर आपके पास कोई बिस्किट है तो आप क्या कर सकते हैं बिस्किट निकाल के उसके आसपास थ्रो कर सकते हैं वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा हो सकता है उसके पीछे भी जाए नाउ पार्ले जी जैसा बिस्किट मत यूज़ कीजिए यूज़ समथिंग एज अ शुगर फ्री बिस्किट बिकॉज जो शुगर होती है वो डॉग के लिए हार्मफुल होती है इफ़ यू आर स्टिल स्केयर्ड एंड आप डॉग्स के आसपास आते ही डर जाते हैं देन आई कैन सजेस्ट यू सम सेल्फ डिफेंस टूल दिस टिप कम्स फ्रॉम माय साइकिलिंग फ्रेंड मिस्टर बिट्टू व्हाट ही टोल्ड वॉज आपकी साइकिलिंग में हमेशा एक सीट होती है उसको आप एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हो ये आपका एक वेपन बन जाता है अगर आसपास कोई भी एनिमल आता है तो आप ऐसे करके उस पर अटैक कर दीजिए एंड एक सेफ्टी लेवल आपके पास आ जाता है रिमेंबर ये वाली ट्रिक सिर्फ एक रिमोट एरिया में यूज़ कीजिए सच में अटैक मत कीजिए एंड अदर टिप वुड भी अपनी बाइक को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करो अगर आपके आसपास कोई डॉग आता है आप इसको ऐसे होल्ड करो यहाँ से सस्पेंशन से होल्ड करो एंड इसको पिक कर लो जैसे कोई डॉग आता है उसको आप ऐसे करके डरा सकते हैं अगर यहाँ से डॉग आए तो ऐसे करके डरा दीजिए एंड ये आपको एक सेफ्टी लेवल प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी आपको डॉग बाइट ना कर सके जो डॉग की टेल होती है आप उसको देख के बता सकते हैं कि डॉग अटैक करेगा या आपके साथ खेलने के लिए आया है इफ़ यू सी दैट उसके ईयर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं टेल बिल्कुल स्ट्रेट है देन उस डॉग से थोड़ा सा दूर रहिए मे बी वो अटैक कर सकता है आप नोटिस कर सकते हैं थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में है इसकी टेल ऊपर है ईयर्स भी ऊपर है थोड़ा सा डेंजरस है अगर आप देखते हैं कि उसकी टेल ऐसे करके बैक कर रही है हिल रही है इसका मतलब वो डॉग आप में एक्साइटेड है एंड वो आपको हर्ट नहीं करने वाला अगर डॉग की टेल डाउन है मे बी दैट डॉग इज लिटिल स्केयर्ड एंड तब भी थोड़ा सा नर्वस हो सकता है उसके आसपास मत रहिए थोड़ा सा दूर रहिए वॉट इफ अ डॉग स्टिल अटैक्स यू आप क्या कीजिए आपका जो वूंड होता है उसको कवर कीजिए हैंकरचीफ से मैं बचपन में था मेरे को डॉग ने अटैक किया था अभी तक मेरे पास वूंड के निशान हैं मेरी मॉम ने क्या कहते हैं हैंकी से उसको बांध दिया था ताकि उससे थोड़ा सा भी ब्लड ना निकले एंड डॉक्टर्स के पास ले गई थी डॉक्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी मेरी मॉम की ये स्टेप करने के लिए सो कवर द वूंड देन अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच मारता है या टीथ टच भी करता है आपकी स्किन को देन डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि वो
इन्फेक्शन फैला सकता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था पिछली वीडियो में, मैं अनबॉक्स करना भूल गया था इस चीज़ को, दिस इज स्पेशल लक्स मीटर। इसमें क्या होता है, जो आपकी अमाउंट ऑफ लाइट होती है वो मेजर होती है। मैं इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा, तो फ्यूचर में इसको मैं अपनी लाइट्स के लिए मेजर करने के लिए यूज़ करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज गुड, डू लाइक इट। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी डॉग अटैक से बचे रहे, देन उनको ये वीडियो शेयर किए दीजिए। एंड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फैट बैक अवे। ऐसे आते हैं डॉग्स हमारे पास, ये लो ये लो ये लो। इसको एक्चुअली बाहर निकलना है और मैं इसको बिस्किट दे दे के वापस बुला रहा हूँ। बाय। मेरे एक एक्टर कम हो गया। अब यदि उन डॉग्स के पास जाएगा, देखते हैं इसी बॉडी लैंग्वेज देख के कि डरते हैं या नहीं। नहीं जान निकली पड़ी है और उसका वो एक्साइटेड है, उसकी टेल हिल रही है, देखो ये एक्साइटेड है, पीछे ही नहीं पड़ रहे यार। ऑकवर्ड मूवमेंट हो चुका है, डॉग इस पीछे ही नहीं पड़ रहे, अभी सब पे भौंक रहे थे। हम ढूंढते हैं कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि कुत्ते भाई पीछे ना पड़े, यहाँ पे हम पड़वा देंगे कुत्तों को पीछे। Fat Bag of Signing Off.